नमस्कार, मैं प्रज्ञा धर्द 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश के अब तक के प्रमुख खबरों को। उत्तरकाशी सुरंग में राहत बचाव कार्य अभियान का आज 12वां दिन है। अब सिर्फ 10 से 12 मीटर पाइप और ड्रिल किया जाना है। सिलक्यारा सुरंग के अंदर फंसे मजदूरों को बचाने की तैयारी अंतिम चरण में है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद सुरंग के पास मौजूद है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी हर दिन रेस्क्यू का अपडेट ले रहे हैं, साथ ही मोर्चे पर केंद्रीय मंत्री वीके सिंह भी पहुंच गए हैं। वहीं प्रधानमंत्री कार्यालय के पूर्व सलाहकार भास्कर खुलबे भी सिलक्यारा सुरंग स्थल पहुंच चुके हैं। बचाव योजना के अनुसार फंसे हुए लोगों को 900 मिलीमीटर पाइप के माध्यम से बाहर निकाला जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 नवंबर को ब्रज रज उत्सव में शामिल होने मथुरा पहुंचे। प्रधानमंत्री बनने के बाद मथुरा का उनका यह चौथा दौरा है। दौरे की खासियत यह है कि वह पहली बार श्री कृष्ण जन्मस्थान दर्शन को पहुंचे थे। यही नहीं, वह श्री कृष्ण जन्मस्थान पहुंचने वाले पहले पीएम भी बने। श्री कृष्ण जन्मस्थान और शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी में चल रहे विवाद के बीच उनका ये दौरा अहम माना गया। वे भले ही इस पर कुछ न बोले, लेकिन उनके जन्मस्थान पहुंचने मात्र से श्री कृष्ण जन्मस्थान को ईदगाह की छाया से निकालने को चल रहे आंदोलन को गर्मी जरूर मिल गई है। भारतीय रेलवे से जुड़ा बुधवार को अजीबोगरीब मामला सामने आया। लोग आए दिन रेलवे से रेल में सफाई नहीं होने और खराब खाने सहित अन्य चीजों से लेकर शिकायत करते हैं, लेकिन इस बार एक रेलवे अधिकारी ने यात्रियों के व्यवहार के लेकर शिकायत की है। अनंत रूपानागुड़ी नाम के एक रेलवे अधिकारी ने सोशल मीडिया एप्स पर दो बच्चों की फोटो शेयर की। उन्होंने इसको लेकर दावा किया कि वंदे भारत और अन्य ट्रेनों में स्नैक ट्रे का टूटना या खराब ट्रे का एक मुख्य कारण ये है। शिकायत करने वाले कहेंगे कि मैं दोष केवल यात्रियों पर मरता हूं। इस फोटो में बच्चे ट्रे पर बैठे हुए दिख रहे हैं। हालांकि फोटो सही ये है या नहीं, इसका पता अभी तक नहीं चला है। बिहार अब मछली के उत्पादन में लगभग आत्मनिर्भर हो चुका है। बिहार भर में प्रत्येक वर्ष 8.02 लाख मेट्रिक टन मछली का डिमांड है। इसमें वर्तमान में अभी 7.62 लाख मेट्रिक टन मछली का उत्पादन हो रहा है। मांग के लगभग समान मछली का उत्पादन हो रहा। राज्य में वर्तमान में प्रत्येक साल प्रति व्यक्ति 6.464 किलोग्राम मछली की खपत है। बिहार का प्रति व्यक्ति साल भर में प्रति वर्ष 6 किलो 464 ग्राम मछली खा जाता है। राज्य भर से अभी 37.0545 हजार मेट्रिक टन मछलियां दूसरे राज्यों में भेजी जा रही, तो वहीं 38.462 हजार मेट्रिक टन दूसरे राज्यों से बिहार में मछलियां आ रही हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास की ओर से ABFC MFI यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन कंपनियों को ब्याज दरों को लेकर चेतावनी दी है। उनकी ओर से NBFC कंपनियों से ब्याज दर निर्धारण के लिए बनाए गए लचीले सिस्टम को सही तरीके से उपयोग करने के लिए कहा गया है। साथ ही सलाह दी गई है कि ब्याज दर निर्धारण करते समय लोन लेने वाले की क्षमता का भी आकलन करें। बिहार सरकार के विभिन्न विभागों में 2381 पदों के सृजन को कैबिनेट से मंजूरी दी गई है। ग्रामीण कार्य विभाग में ग्रामीण बसावट से संपर्क पथ और पुलों के निर्माण व रखरखाव देखने के लिए 2261 नए पद सृजित किए गए हैं। इसके अलावा राज्य भर में 3600 नई बसें शुरू होंगी। इससे कई लोगों को रोजगार मिलेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बुधवार को ही राज्य कैबिनेट की बैठक में इन फैसलों पर मुहर लगाई गई। सुप्रीम कोर्ट द्वारा पतंजलि आयुर्वेद को उसकी दवाओं के बारे में विज्ञापनों में झूठे दावे करने के खिलाफ चेतावनी देने के एक दिन बाद योग गुरु बाबा रामदेव ने बुधवार को अपनी कंपनी का बचाव किया और आरोप लगाया कि एलोपैथ से जुड़े कुछ लोग आयुर्वेद के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पैसा सच और झूठ का फैसला नहीं कर सकता। उनके पास अधिक अस्पताल डॉक्टर हो सकते हैं और उनकी आवाज अधिक सुनी जा सकती है, लेकिन हमारे पास संतों के ज्ञान की विरासत है। हम गरीब नहीं है। दिग्गज ब्रोकरेज फर्म जिरोधा के फाउंडर नीति ने कामत ने नए स्कैम को लेकर लोगों को सतर्क किया है। इस धोखाधड़ी में रिवॉर्ड के नाम पर लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी हो रही है। ऐसा ही एक स्कैम सामने आया है, जिसमें एक शख्स ने जिरोधा के एम्प्लॉई के तौर पर क्लाइंट से करोड़ रुपए चुराने की कोशिश की। स्कैमर ने क्लाइंट से कहा कि उन्होंने एक रिवॉर्ड मिलने वाला है, लेकिन इसके लिए पहले 1.8 लाख रुपए का रजिस्ट्रेशन फीस चुकाना होगा। ग्राहक को भरोसा दिलाने के लिए स्कैमर ने फर्जी बैंक स्टेटमेंट भी दिया। नीट यूजी के योग्यता नियमों में एक बार फिर से बड़े बदलाव किए गए हैं। जिन छात्रों ने भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान या जैव प्रौद्योगिकी पढ़ाई अंग्रेजी के साथ भले ही अतिरिक्त विषय के रूप में किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से की है, वे 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद वे राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट स्नातक की परीक्षा में बैठने के पात्र होंगे। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने बुधवार को जारी एक नोटिस में कहा कि यह निर्णय उन छात्रों पर भी लागू होगा जिनके आवेदन पहले खारिज कर दिए गए थे। भारत ने अक्टूबर में लगभग 4.7 मिलियन बैरल प्रति दिन कच्चे तेल की आयात किया है। यह पिछले महीने से 8.4% अधिक है। इसकी वजह त्योहारी सीजन के दौरान बढ़ी हुई स्थानीय मांग को पूरा करने के लिए रिफाइनर से खरीदारी बढ़ा दी है। अक्टूबर में भारत ने रूस से औसतन 1.56 मिलियन बैरल प्रति दिन तेल आयात किया था, जो पिछले महीने से 1.2% अधिक है। इस इजाफे के बावजूद भारत के अक्टूबर के आयात में रूसी तेल की हिस्सेदारी सितंबर में 35% से घटकर 33% हो गई है। सरकार ने नागर विमान महानिदेशालय में डायरेक्टोरेट ऑफ एयरो स्पोर्ट्स कैप्टन अनिल गिल के खिलाफ बुधवार को बड़ी कार्रवाई की। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने अनिल गिल को भ्रष्टाचार के मामले में सस्पेंड कर दिया है। गिल के खिलाफ कार्रवाई विजिलेंस पैनल की सिफारिश की गई है। वहीं पूरे मामले को लेकर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ किसी भी मामले में हमारी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है। ऐसे किसी भी मामले में कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
अमेरिकी मीडिया ने खुलासा किया है कि भारत ने खालिस्तानी आतंकी गुरु पतवंत सिंह पन्नू की हत्या की कोशिश की थी, जिसे अमेरिका ने नाकाम कर दिया। फाइनेंशियल टाइम्स ने बुधवार को सूत्रों के हवाले से अमेरिकी धरती पर पन्नू को खत्म करने की योजना थी, जिसे नाकाम कर दिया गया। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि अमेरिकी सरकार ने भारत के साजिश में शामिल होने का आरोप लगाते हुए भारत को चेतावनी जारी की थी। मामले से जुड़े लोगों ने नाम न बताने का शर्त पर फाइनेंशियल टाइम्स से कहा कि पन्नू की हत्या न्यूयॉर्क में हुई थी। IIT का साथी अब JEE और नीट समेत कक्षा 11 और 12 के छात्रों की परीक्षा की तैयारी कराएगा। CBSE को देश भर के स्कूलों को इसकी जानकारी देनी होगी और साथ में मॉनिटरिंग भी करनी होगी। शिक्षकों को बच्चों को ऐसा होमवर्क देना होगा जिससे इसके असेसमेंट का कार्य करने में वो रुचि ले। इस स्कूल उन शिक्षकों से अलर्ट रहे जो कोचिंग में पढ़ाते हैं, वे इसके प्रति उदासीन हो सकते हैं। IIT कानपुर ने मंगलवार को इसके लिए ऑनलाइन समीक्षा बैठक की ताकि इसके बारे में छात्रों को जानकारी दी जा सके। लोकसभा की एथिक्स कमेटी ने अब से TMC सांसद महुआ मोइत्रा के अपने आधिकारिक ईमेल का पासवर्ड एक बाहरी व्यक्ति दुबई स्थित व्यवसायी दर्शन हीरानंदानी के साथ कथित तौर पर शेयर करने की घटना सामने आने के बाद अब इस पर रोक लगाने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है। संसद के शीतकालीन सत्र में लोकसभा सदस्य हाउस पोर्टल या उसके ऐप के लिए पासवर्ड और OTP साझा करने, सदन में प्रश्नों के लिए नोटिस दाखिल करने, यात्रा बिल जमा करने या यहां तक कि अपने आधिकारिक ईमेल तक पहुंचाने के लिए किसी का सहयोग नहीं ले सकेंगे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने CTET जनवरी 2024 के लिए पंजीकरण करने की समय सीमा को आगे बढ़ा दिया है। जो उम्मीदवार केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उनके पास अब 27 नवंबर तक का समय है। वे CBSE CTET के आधिकारिक वेबसाइट CTET.NIC.IN के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। पंजीकरण प्रक्रिया 3 नवंबर 2023 को शुरू हुई थी और 27 नवंबर आवेदन करने की आखिरी दिन है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 21 जनवरी 2024 को CTET परीक्षा आयोजित करने वाला है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने भारतीय महिला क्रिकेटर टीम के मुख्य कोच के नाम का ऐलान कर दिया है। BCCI ने आधिकारिक प्रेस रिलीज जारी करते हुए इस बात की पुष्टि कर दी है। BCCI ने अब रमेश पवार के बाद घरेलू क्रिकेट के इस दिग्गज को भारतीय महिला टीम के मुख्य कोच का पद दिया है। बता दें कि BCCI ने आधिकारिक प्रेस रिलीज जारी करते हुए अमोल मजमूदार को के नाम पर मुहर लगा दी है। 3 दिसंबर को भारत के 5 राज्यों में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आएगा तो जो साख नरेंद्र मोदी की खत्म हुई है वह दिख जाएगी। उन्होंने क्रिकेट को भी स्वतंत्र रहने नहीं दिया। क्रिकेट आम आदमी के भावनात्मक लगाव से जुड़ा हुआ है, उसको भी उन्होंने स्वतंत्र रहने नहीं दिया। उक्त बात हिजाब सुप्रीमो सह पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने कही। उन्होंने क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में भारत की हुई हार के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि भारत को पहले से ये पता था कि कौन सा पिच सही है और कौन सा पिच नहीं, फिर भी गुजरात में मार्केटिंग करने के लिए और क्रिकेट के पीछे 2024 की राजनीति करने के क्रिकेट को बलि का बकरा बना दिया, ये उन्होंने सही नहीं किया। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर राज्य कैबिनेट में प्रस्ताव पारित कर दिया गया है। उधर दिल्ली रवाना होने के दौरान RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से पत्रकारों ने जब पूछा कि क्या मोदी सरकार विशेष राज्य का दर्जा देगी, इस पर लालू यादव ने कहा कि मोदी सरकार नहीं देगी तो मोदी सरकार को हम लोग हटा रहे हैं। बता दें कि सीएम नीतीश ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी साझा करते हुए केंद्र सरकार से अनुरोध किया कि बिहार के लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार इसे शीघ्र ही विशेष राज्य का दर्जा दे। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक टीम ने क्षेत्र में रहस्यमय बीमारी की जांच के लिए बुधवार को बिहार के गया शहर का दौरा किया। गया के पटवा टोली गांव के 300 से अधिक लोग पिछले कुछ हफ्तों में बीमार पड़ गए हैं, जबकि डॉक्टर बीमारी की प्रकृति का पता लगाने में विफल रहे हैं। लोगों ने दावा किया है कि मरीज बुखार और जोड़ों के दर्द से पीड़ित है, जो लंबे समय से बना हुआ है। स्थानीय लोगों ने इस बीमारी का नाम लंगड़ा बुखार रखा है, क्योंकि मरीज बुखार से तो ठीक हो जाते हैं लेकिन जोड़ों के दर्द के कारण ठीक से नहीं चल पाते। इन दिनों शिखर धवन का एक इंटरव्यू तेजी के साथ इंटरनेट में गलियारों में वायरल हो रहा है और इस खबर के अनुसार शिखर धवन ने अपनी उसी इंटरव्यू में ही संन्यास को लेकर बात कही थी और इसके साथ ही उन्होंने रिप्लेसमेंट के बारे में भी विस्तार से बताया था। शिखर धवन ने आज तक को दिए गए इंटरव्यू में कहा था कि अगर मेरी मौजूदा फॉर्म को देखा जाए तो मैं किसी भी प्रकार से टीम इंडिया में जगह डिजर्व नहीं करता हूं और अगर मेरा प्रदर्शन ठीक न हुआ तो मैं जल्द ही अपने भविष्य के बारे में सोच सकता हूं। टीम इंडिया के लिए रोहित शर्मा कुछ भी करेंगे क्रिकेट फील्ड पर तो हाल के दिनों में हमने ऐसा करते हुए उन्हें देख लिया। अब इससे पड़े भी उन्होंने कुछ जो कदम उठाने की सोची है वो भारतीय क्रिकेट के भविष्य के लिहाज से बेहद अहम है। रोहित शर्मा का ये कदम व्हाइट बॉल क्रिकेट को लेकर है, जहां वो टीम इंडिया के लिए एक बड़ी कुर्बानी दे सकते हैं। अपनी इस कुर्बानी को लेकर उन्होंने BCCI के सामने भी अपनी बात रख दी है, हालांकि आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि होनी अभी बाकी है। ChatGPT की कंपनी OpenAI में CEO सैम अल्टमैन को निकाले जाने के बाद मची उथल पुथल के बीच यूजर्स के लिए एक अच्छी खबर आई है। ChatGPT ने अपने फ्री यूजर्स के लिए वॉइस चैट सपोर्ट को जारी कर दिया है, यानी अब यूजर्स मुफ्त में ही इस सर्विस का यूज कर पाएंगे, जो पहले फीचर केवल पेड सर्विस लेने वाले यूजर्स के लिए ही उपलब्ध थी। ChatGPT के फ्री यूजर्स से अब सीधे AI असिस्टेंट से बात कर सकते हैं और वास्तविक समय में बातचीत कर सकते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली महागठबंधन सरकार ने बिहार के गरीब एवं बेघर परिवारों के लिए विभिन्न परियोजनाओं के क्रियान्वयन को मंजूरी दी है। जाति गणना के अंतर्गत सामाजिक एवं आर्थिक आंकड़ों के आधार पर राज्य में गरीब एवं बेघर परिवारों की पहचान की गई है। नीतीश सरकार इन परिवारों को आर्थिक रूप से मदद करेगी। सीएम नीतीश कुमार ने बताया कि अगले 5 सालों में लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए इन योजनाओं के तहत खर्च किए जाएंगे। ये राशि किस्तों में अलग अलग योजनाओं के जरिए लाभार्थियों तक पहुंचाई जाएगी।
पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए पनौती शब्द का इस्तेमाल करने पर भाजपा कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रमुख राहुल गांधी को भी घेर ही रही थी कि मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम एवं कांग्रेस के कद्दावर नेता दिग्विजय सिंह ने इस मामले को लेकर ट्वीट कर लिखा है कि पनौती का क्या अर्थ है, मैंने पता लगाया यह एक नकारात्मक शब्द है, जब कोई काम होते होते रह जाए तो उस मनुष्य को पनौती कह दिया जाता है, पनौती शब्द का उपयोग उस व्यक्ति के लिए किया जाता है जो अपने आसपास के लोगों के लिए दुर्भाग्य या बुरी खबर लाता है, इसलिए इसे नकारात्मक शब्द बोलते हैं। वर्ल्ड कप शुरू होते ही सोशल मीडिया पर यह शब्द ट्रेंड करने लगा, यह किसके लिए कहा गया, स्टेडियम में हजारों लोग थे, बीजेपी ने मोदी जी को पनौती क्यों मान लिया, वो तो उनकी नजर में विश्व गुरु हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने वैश्विक आतंकवादी समूह आईएसआईएस के जबलपुर मॉड्यूल के सदस्यों द्वारा रची गई हिंसक साजिश से संबंधित एक मामले में गिरफ्तार चार लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। एनआईए के एक प्रवक्ता ने कहा कि यह साजिश इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया जैसे इस्लामिक स्टेट के नाम से भी जाना जाता है द्वारा जमीनी स्तर पर दावा कार्यक्रमों और विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के जरिए से भोले भाले मुस्लिम युवाओं को कट्टरपंथी बनाने के प्रयासों से संबंधित है। आईसीसी द्वारा ट्रांसजेंडर क्रिकेटरों को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से बैन करने के बाद कनाडा की ओर से खेलने वाली दुनिया की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेटर डेनियल मैकगाहे ने आईसीसी के इस फैसले के तुरंत बाद संन्यास का ऐलान कर दिया और अपनी निराशा भी व्यक्त की है। उन्होंने अपने संन्यास की घोषणा करते हुए कहा कि आईसीसी के फैसले पर मेरी अपनी राय है कि आज दुनिया भर के लाखों ट्रांस महिलाओं को एक मैसेज भेजा गया जिसमें कहा गया है कि हमारा कोई अधिकार नहीं है, मैं वादा करता हूं कि मैं खेल में हमारी बराबरी के लिए लड़ना बंद नहीं करूंगी, हमें उच्चतम स्तर पर क्रिकेट खेलने का अधिकार है, हम इस खेल की सुरक्षा और अखंडता के लिए कोई खतरा नहीं है। G20 वर्चुअल शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जब मैंने इस वर्चुअल समिट का प्रस्ताव रखा था तब मुझे पूर्वानुमान नहीं था कि आज की वैश्विक स्थिति कैसी होगी, पश्चिमी एशिया क्षेत्र में अस्थिरता और असुरक्षा की स्थिति हम सबके लिए चिंता का विषय है, आज हम सभी का एक साथ आना इस बात का प्रतीक है कि हम सभी मुद्दों के प्रति संवेदनशील है और इसके समाधान के लिए एक साथ खड़े हैं। पीएम मोदी ने कहा कि हम मानते हैं कि आतंकवाद हम सभी को अस्वीकार्य है, नागरिकों की मौत कहीं से भी निंदनीय है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने गुरुवार को कहा कि सरकार मराठा आरक्षण की मांग को लेकर सकारात्मक है और मराठा समुदाय को आरक्षण देने की कोशिश चल रही है। मराठा समुदाय के एक प्रतिनिधि मंडल ने गुरुवार को डिप्टी सीएम फडणवीस से सोलापुर जिले के पंढरपुर में मुलाकात की। डिप्टी सीएम फडणवीस अपनी पत्नी के साथ पंढरपुर में भगवान विट्ठल और देवी रूपमणि के मंदिर में कार्तिकी एकादशी के मौके पर पूजा करने पहुंचे थे। लोहरदगा में अत्याधुनिक सुविधाओं से संपन्न क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन 3 जनवरी को होगा। इस उद्घाटन समारोह में देश के दो जाने माने क्रिकेटर भाग लेंगे, इसके अलावा कई अन्य गणमान्य लोगों के भी शामिल होने की उम्मीद की जा रही है। कार्यक्रम के लिए राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू ने क्रिकेटरों को आमंत्रित किया है, इसमें आने के लिए हरभजन सिंह और वीरेंद्र सहवाग ने अपनी सहमति दे दी है। बिहार ने हमेशा देश को दशा और दिशा दिखाने का काम किया है, हम सभी लोग चाहते थे कि पूरे देश में जातीय जनगणना हो लेकिन इसको लेकर हम सभी दल के लोग पीएम से मिलने भी गए थे लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं मानी, फिर हम लोगों ने खुद के बूते यह काम किया, इसके लिए हमारे मुख्यमंत्री जी की तारीफ होनी चाहिए जिन्होंने इतना बड़ा डाटा एक ऐतिहासिक दिन सामने लाया, यह बातें बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कही है। हमारे द्वारा पूछे गए सवालों का आप लोगों में से बहुत लोगों ने पंजाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था, जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है नुनू गोलू कुमार, विजय राय, मोहम्मद फहीम, ऋषिकेश तिवारी, अनवर करीम खान, मोहम्मद सकीर हुसैन, बाबूलाल मरांडी। अब बढ़ते आज के सवाल की ओर, आज का सवाल है आईसीसी द्वारा ट्रांसजेंडर क्रिकेटरों को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से बैन करने पर आपकी क्या राय है, अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।